दिव्य कुंभ भव्य कुंभ प्रयागराज में मकर संक्रांति से शुरू हुआ ये कुंभ मेला महाशिवरात्रि पर समाप्त हुआ है। इस बार का कुंभ कई मायनों में खास रहा। सर्वाधिक भीड़ प्रबंधन, सबसे बड़ी स्वच्छता मुहिम, एक साथ सर्वाधिक शटल बसों के संचलन और सामूहिक पेंटिंग अभ्यास के लिए इस कुंभ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पृथ्वी पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ इस मायने में महत्वपूर्ण रहा कि इसकी भव्यता, गंगा की निर्मलता और साफ सफाई की पूरी दुनिया में चर्चा रही। और यही नहीं, यूपी सरकार के तो सभी मंत्री एक साथ कुंभ में नहाने भी पहुंचे। और साथ ही प्रदेश के इतिहास में पहली बार कैबिनेट की बैठक राजधानी लखनऊ के बाहर प्रयागराज में हुई। कुंभ मेले ने उत्तर प्रदेश को तो बहुत कुछ दिया ही है, साथ ही इस मेले के लिए खास तौर पर प्रयागराज को एयरपोर्ट और एक नया रेलवे स्टेशन भी मिल गया है। कुंभ मेला इस कदर रोशनी में नहाया रहा कि दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। इस कुंभ में लोगों ने वो दृश्य भी देखा जब पीएम नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद सफाई कर्मियों के पैर तक धोए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज कुंभ के समापन समारोह में आज शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल का भाषण होगा और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र सीएम योगी को सौंपा जाएगा। और इस समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ को दुनिया का सबसे खास सम्मान मिलेगा। वाकई एक दिव्य और भव्य श्रेष्ठ आयोजन के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार को बहुत बहुत बधाई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब करें।